देखो कहाँ है पंद्रह बारह फुट से ज्यादा ही है, कम नहीं है। अरे बाहर लाके डालना है। अच्छा बाहर लाके डालना है। क्या आवाज कर रहा, बहुत बड़ा है, लंबा है वो। पीछे तो बना लेना फिर आते हुए जब बाहर निकलेगा। दबा दिया भाई जी ने। चलो जाओ भाई। क्या क्या बोला क्या लेगी? हम देख ले, अगला सुन ले, पकड़ ले। आगे तो बढ़ो ना, तुम पीछे जाओगे। पहले बीच में पकड़ना पड़ेगा। उठा लो, पीछे को ले चलोगे क्या? पीछे को किधर को ले जाओगे? अजगर है, बर्मी अजगर है, और इस समय बरसात में जो पानी आता है उसमें बह कर आ गया होगा ये। उसमें क्या आया, पल्ली तरफ जंगल में जो पंडाल आया इसके द्वारा जो खाया गया, सोच किया जा रहा है। छोड़ दो, छोड़ो, वहाँ छोड़ो, पीछे छोड़ दो, आराम से आओ इधर आ जाओ। अंकल जी थोड़ा साइड हो जाओ भाई। चलो भाई, चलो राजेंद्र तनवार, राजेंद्र तनवार जी, पंकज भाई, भट जी, भट जी के सहयोग से इसको बाहर निकाला गया। क्योंकि सोचना पहले मिली थी, अगर हम इसको पहले छेड़खानी नहीं करते तो इसकी मौत हो सकती थी। अभी इसका भोजन पच गया है, ये देखिए तो बहुत मोटा। पंकज जी को पहचान रहा है, जीवन निकाल निकाल के पहचान जी को। पकड़ लिया, आज भी लेने देना है, पकड़ उतर के पीछे निकालेगा ये। एक दो तीन भाई, दस आठ ये कालू वाला है, और भाई पंकज द्वारा मुझे सूचना दी गई थी 4-5 दिन पहले कि भाई यहाँ पर एक अजगर है, और जब पता चला कि इसने कुछ खा रखा था 3-4 दिन में इसके अंतियार किया। आज जब ये हल्का हो गया तो भाई वन विभाग के तनवार जी और पंकज भाई और हम सब लोग आकर इसको सुरक्षित पकड़ लिया गया, और अब इसको ही भाई साहब के साथ वन विभाग के कर्मचारियों के साथ इसको इसके प्राकृतिक आवास में उचित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। कितना लंबा था ये? करीब 15 फुट के आसपास है, और वजन करीब 60 या 65 किलो इसका वजन है। चल जल्दी करो, क्यों मच्छर काट रहे हो भाई साहब? वन विभाग से दोनों, और इस जीव को बचाने के लिए मेरे साथ इसको छुड़वाने आ गए जंगल में, और इसके द्वारा कुछ भक्षण किया गया था, और काफ़ी वजनी, काफ़ी लंबा साइज कर रही है, और अभी इसके द्वारा भोजन
वहीं से कर, वहीं से कर तो अल्लाह। बोरी के बोरी पीछे हट गए, हमला करने की कोशिश कर रहे क्योंकि ये वातावरण को पहचान रहा है कौन कितनी दूरी पे है और किसके नज़दीक वो पहुंच सकता है। यदि हमने ज़रा सी भी हरकत करी ये हम पर तुरंत हमला करेगा। इसकी पूंछ जो है इसका एंटीना है, इसको वातावरण का खतरे का इसको आभास हुआ और इसने अपना बिगुल चालू कर दिया। ज़्यादा हिलने की स्थिति नहीं है ना, क्या हो रहा है इसको? बाजू छेड़ा ना उसका पेड़ फटने का खतरा है। हाँ वही है ना दिक्कत, अब तो बना लेंगे भाई। लंबा जो तुम्हारा लंबा या पता नहीं।